क्या भाव? अरे ये कौन कहा है मछली लेके आ चले के घर? आओ 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 आओ। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो देख सकते हैं दोस्तों, आज हमने मछली लेके आया है, भांगड़ा मछली, जो यहाँ का समुद्री मछली है और यहाँ का बहुत ही फेमस मछली है। देख सकते हैं ये कितना दिया है। मैं 100 का 10 बोली थी, मैं बोला 12 दो, देखते हैं कितना दिया है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 बराबर, बिल्कुल बराबर दिया है, 12 दिया है। तो चलिए देखते हैं, हम बनाते हैं और खाएंगे भी, बनाएंगे भी। और ये जो देख सकते हैं, ये पता नहीं क्या चीज़ है, अभी भी जिंदा है, मछली के साथ मिला है। ये पानी में भी मिलता रहता है, पानी में आता है। तो देख सकते हैं हम लोग जो मछली लाए हैं उसका अच्छे से हमने काट लिया है और धुलाई कर लिया अच्छे से, और इसे मसाला मिला रहे हैं, मसाला और नमक मिला रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से मिला रहे हैं। मसाला अच्छी तरह से मिलाने से लगभग, मिलाने के बाद लगभग 1 घंटे तक रख देंगे। 1 घंटे के बाद इसको हम तवे पे भूनेंगे। देखो कितना अच्छे पानी और तेल के साथ कितना अच्छे तरीके से इसको तवे पे फ्राई करेंगे, एकदम ज़बरदस्त तरीके से। तो देखते रहिए, वीडियो पूरा देखिए, तभी मज़ा आएगा कैसे फ्राई करते हैं ज़बरदस्त तरीके से एकदम। तो आज हम खाना बना रहे हैं दाल चावल और ये फ्राई वाला मछली एकदम ज़बरदस्त तरीके से, मज़ा ही आ जाएगा आज तो। वाह, देख सकते हैं ये भांगड़ा मछली है, इसमें मसाला मिला रहे हैं, मिला कर लगभग 1.5 घंटा रखेंगे, उसके बाद फ्राई होगा। और हमारा इधर दाल चावल रेडी हो रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, देखते रहिए पूरा वीडियो और वीडियो का आनंद लेते रहिए, मछली खाने का आनंद लीजिए और मछली फ्राई करने का तरीका सीख लीजिए। ये शायद आप ऐसा तरीका नहीं देखेंगे मछली फ्राई करने का, हम लोग बहुत यूनिक तरीका हम लोग अपनाए हैं मछली फ्राई करने का, एकदम ज़बरदस्त तरीका। तो जब फ्राई होगा तभी आपको वीडियो दिखाते हैं, तब तक के लिए वीडियो रोकते हैं। तो अब फ्राई करेंगे तो दिखाएंगे आपको। अब देख सकते हैं मसाला हो गया, अब निर्मला ढक के रखेगी लगभग 1 घंटे के लिए, उसके बाद हम फ्राई करेंगे 1 घंटे बाद। तो देख सकते हैं हमारा 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद अब फ्राई कर रहे हैं। ये करना है हम करो, फ्राई हो रहा है सूजी के साथ लपेट करके फ्राई हो रहा है। पहले मसाला हमने इसमें लगाया है, देख सकते हैं। इसे हम चिपका करके फिर इसे फ्राई कर रहे हैं, अभी और दिखाते हैं।